तो हिस्ट्री का रिवीजन शुरू करते हैं महाजनपद काल से, ठीक है, और गुप्त काल तक का आज हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ जाता है कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी प्राचीन भारत में? 16 16 थी, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। इनसे मिलती है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध महाजनपद था, ठीक है। मगध की राजधानी, मगध की है राजगृह या गिरिब्रज? फिर कौन सा जो महाजनपद था जो वर्तमान के पाकिस्तान में, ये था गांधार, गांधार की गांधार महाजनपद, जिसकी राजधानी तक्षशिला है, ठीक है, जो कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना भी तक्षशिला में हुई थी, है ना। और भारत का पूछेंगे तो आ जाएगा नालंदा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है, जैसे अंग महाजनपद है, चंपा राजधानी है और वर्तमान का बिहार क्षेत्र है, ठीक है। कौशल महाजनपद की श्रावस्ती है, जहां बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मत्स्य महाजनपद जो विराटनगर है, वह है वर्तमान का राजस्थान। कभी इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अवंती यानी कि जो उज्जैन है, उसी का प्राचीन नाम है, तो अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन या महिष्मति थी, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। अब बात करते हैं, देखो जैन धर्म, जैन धर्म स्टार्ट हो गया और यहाँ से क्वेश्चन बना भी था, ठीक है। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। पहले है ऋषभदेव, ऋषभदेव, ठीक है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह। महावीर का, ठीक है। 21वें तीर्थंकर कौन थे? नेमी। नेमीनाथ या नामी। फिर 22वें, अरिष्ट 22वें है अरिष्ट नेमी, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ। अब आ जाते हैं महावीर स्वामी के बारे में पूछा जाता है ज्यादा, क्योंकि 24वें तीर्थंकर है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जैन धर्म का वास्तविक रूप से प्रचार प्रसार किया, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है इसमें क्वेश्चन की महावीर का जन्म स्थान क्या है? ये क्वेश्चन शायद आया था शिवसागर। पुलिस में, पटवारी में, हाँ, कुंडग्राम, वैशाली में, है? तो जो भी ऑप्शन होता है उसके हिसाब से देखते हैं। कुंडग्राम है तो फिर एग्जैक्ट वाले ऑप्शन होंगे, ठीक है। वैशाली दे दिया इन्होंने। इनके पिता कौन थे? इनके पिता हैं सिद्धार्थ, जात्रिक कुल के, जात्रिक कुल के थे। इनकी माता का नाम, त्रिस्थाला, राजा चेटक की बहन त्रिशला, ठीक है। महावीर की पत्नी का नाम, ठीक महावीर की पत्नी यशोदा, ठीक है, और बुद्ध की है यशोधरा। फिर इनकी पुत्री का नाम, महावीर की पुत्री, यह अनुजा प्रियदर्शिनी। और जो महावीर के पहले अनुयायी थे, वो इन्हीं के वो थे दामाद, यानी अनुजा के पति, ठीक है। हाँ, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। वर्धमान। महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? इन्होंने प्राकृत में दिए थे। पहली जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। चंपा, ठीक है। और चंदना,
जैन संघ भिक्षुणी संघ की प्रधान, संघ की प्रधान आएगा और जैन भिक्षुणी, तब आएगा चंपा। फिर जैन त्रिरत्न क्या है? जैन त्रिरत्न, हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म ने अपने विचार, आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से प्राप्त किए? ये सांख्य दर्शन। ठीक है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? ये जगह जैन धर्म, जैन से। मथुरा मरुत्तर काल में जो है प्रमुख केंद्र था जैन धर्म का। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई? पावापुरी। पावापुरी में। अब है बौद्ध धर्म। ठीक है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में, साल के वृक्ष के नीचे हुआ था बुद्ध का जन्म। और महावीर को ज्ञान हुआ था साल के वृक्ष के नीचे प्राप्त, 12 साल की तपस्या में महावीर को। ठीक है, बुद्ध को 6 साल की तपस्या के बाद तो बुद्ध का जो ज्ञान है वो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। बुद्ध की माता का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी। हाँ, महामाया। महामाया की जो जन्म देने वाली माँ है और पालने वाली माँ है गौतमी। ठीक है, तभी इनके नाम में जो है गौतम जुड़ा और फिर जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो बुद्ध इनके नाम में आया। महाभिनिष्क्रमण कौन सी घटना को कहा गया जीवन में? इनके जीवन की कौन सी ग्रह क्या? बुद्ध के गुरु कौन थे जिनसे सांख्य दर्शन की दीक्षा प्राप्त की है? बुद्ध के पहले गुरु हैं आलार कलाम और दूसरे रुद्र काराम पुत्र से भी दीक्षा प्राप्त की, पर आलार कलाम पहले। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ। और इस घटना को क्या कहा गया? धर्मचक्र परिवर्तन। हाँ, धर्मचक्र परिवर्तन इसे कहा गया है। ठीक है, निर्वाण किस घटना को कहा गया जीवन में? मृत्यु को निर्वाण से तुलना की गई। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुई है बुद्ध की? कुशीनगर। 483 BC में कुशीनारा या कुशीनगर में हुई है। बौद्ध त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धम्म संघ, बुद्धम धम्मम संगम। बौद्ध धर्म के दो अंग कौन से हैं? जैसे जैन में श्वेतांबर दिगंबर। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मगध। हरियत वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। पहला वंश इसी को माना जाता है तो बिंबिसार था। किस राज्य को मगध में मिलाया बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर? ये अंग राज्य को ये पूछेंगे, अंग जो राज्य है किस के समय मगध का हिस्सा बना, तो बिंबिसार ने ही उसको जीता तो बिंबिसार के समय बना है। देखे।
बुद्ध की सेवा में किसे भेजा बिंबिसार ने? जीवक का राज्य रहे थे जीवक को, ठीक है। ये किस धर्म का अनुयायी था बिंबिसार? बौद्ध। तो प्रारंभ में जैनी था, फिर बौद्ध हो गया था। बिंबिसार की हत्या किसने की? उसके पुत्र अजातशत्रु ने की, और फिर अजातशत्रु की थी उसके पुत्र उदयन ने। उदयन ने किसकी स्थापना की है, किस नगर की? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। हरेक वंश का अंतिम राजा कौन था? यह नागदशक। सिकंदर। सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया? 326। ठीक है। सिकंदर के गुरु का नाम? अरस्तु। ठीक है। सिकंदर का सेनापति? सेलिकस ने पीछा। किस नदी को पार करने से मना किया सिकंदर की सेना ने? ये व्यास को पार करने से मना किया, और झीलम के किनारे पोरस से युद्ध किया था, वितस्ता का युद्ध। ठीक है। हाइडेस बीच, दो नदी है, पर दोनों नदी याद रखनी है। अब है मौर्य साम्राज्य। ठीक है। मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसे सैंड्रो कोट्स जस्टिन ने कहा है। ठीक है। विलियम जोन्स ने इसकी पहचान की है। अब अर्थशास्त्र में कितने तीर्थ है? 18 तीर्थ है, 15 उसमें अधिकरण है, 180 प्रकरण है, लेकिन तीर्थ की संख्या 18 है। तो जो सारे क्या है मंत्रालय जो है, ठीक है, तो वो 18 तीर्थों में यानी विभाग कह सकते हैं उसमें बांटे गए। इंडिका पुस्तक किसकी है? मेगस्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहां हुई थी? जो देह त्याग किया था, कर्नाटक का प्रवण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। जैन धर्म। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी? बिंदुसार है। ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक है। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन। हाँ, यानी अवंती अब उज्जैन का। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की? फॉस्टर। पादरेटी फेंथेलर ने 1750 में पहली बार किसने पढ़ा है शिलालेखों को? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है। फिर पशु बलि की निंदा किस शिलालेख में की गई? पहला ही है। ठीक है। फिर कलिंग युद्ध का वर्णन? कलिंग युद्ध 13 है ये। रानी का अभिलेख किसे कहा गया? कौशाम्बी। बिक्री कर कितना भाग लिया जाता था मौर्य काल में? 1/10। 1/10। इससे बचने वालों को मृत्यु दंड। कंधार या सारे कुना का अभिलेख किस भाषा में मिला था? कंधार, सारे कुना, ये ग्रीक और अरमाइक। ग्रीक और आर्माइक का ये। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या जिन्हें चक्र कहा गया कितनी थी अशोक के समय?
क्रांति या चक्र थे पांच। ठीक है, एग्रोनोमी कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी। मार्ग निर्माण अधिकारी था। सरकारी भूमि को क्या कहा गया? मौर्य काल में सीता भूमि। सीता भूमि, सीता भूमि, जैसे वहां हल रेखा को सीता बोल दिया था वैदिक काल में, यहाँ पर है सीता भूमि है। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। मौर्य वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई भारत में? शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना हुई थी पुष्यमित्र के द्वारा। इसे ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है, ब्राह्मण वंश। ठीक है, तो जो सिलेबस में है उसमें जो शुंग वंश उसमें था नहीं, शुंग वंश भी है उसमें, है ना। मौर्य है, शुंग है और शक है, कुषाण है, यहाँ तक सारा है। तो शुंग वंश में से देख लेते हैं। किस इंडो यूनानी राजा को पुष्यमित्र शुंग ने हराया था? किस इंडो यूनानी राजा को हराया था? यह है मिनांडर। किसने अश्वमेध यज्ञ किए थे पुष्यमित्र के लिए? पतंजलि। पतंजलि ने किए थे। कौन सा स्तूप बनवाया पुष्यमित्र ने? भरहुत। और अंतिम राजा शुंगवंश में देवभूति। ठीक है, फिर इसके बाद कर्णवंश आ गया। वासुदेव ने कर्णवंश की शुरुआत की बहुभूति को खत्म करके। तो अब है अगला जो है शक साम्राज्य जो हमारे पास उसमें आता है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, सकारी विक्रमादित्य उपाधि पूछी थी, तो इसी वंश को खत्म किया था। प्रथम शक राजा किसे माना जाता है? यह है मोह को मानता है, मोह उसका नाम है, कण किसे आएगा कुषाणों का। विक्रमी संवत की शुरुआत कब हुई थी? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो ईयर है वो इस समय कैसे किस हिसाब से चल रहा है। तो लगभग जो वर्ष चल रहा है 58 बीसी का ये वर्ष है, तो 57 इसमें अगर पूरा ऐड कर देते हैं वर्तमान के वर्ष में, तो वो चलता है ना, 2080 चल रहा है विक्रमी संवत। ठीक है, तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत के इतिहास में लगभग 14 राजाओं ने विक्रमादित्य उपाधि को धारण किया। ठीक है, और गुप्त काल के जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं सबसे प्रसिद्ध विक्रमादित्य हुए। ठीक है, सबसे प्रतापी शक राजा कौन था? जो संस्कृत का प्रेमी था, यह है रुद्रदामन प्रथम। अब है कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल। सबसे प्रसिद्ध राजा कौन हुआ इनका कुषाणों का? सम्राट कनिष्क। इन्होंने कब संवत चलाया था? कनिष्क जो है किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क महायान, बौद्धों में महायान संप्रदाय का अनुयायी था।
महायान भी याद रखना है, ठीक है। कनिष्क के जो राज कवि कौन थे? अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ये सब इनके दरबारी विद्वान है। कौन सी कला शैलियों का विकास कनिष्क के काल में हुआ? कनिष्क के समय गांधार और मथुरा का, और सिल्क रूट के लिए भी जाना जाता है कनिष्क को, प्रसिद्ध रेशम मार्ग का निर्माण करने के लिए, ठीक है। फिर है गुप्त साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। पहला महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम है ना। वैसे श्रीगुप्त के बाद एक घटोत्कच नामक राजा आया, फिर आए चंद्रगुप्त प्रथम, और प्रथम महान राजा बोलते हैं चंद्रगुप्त प्रथम को, जिसने महाराजा धीराज उपाधि भी धारण किए। चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को ही नेपोलियन भी कहा जाता है। इसने विक्रमंक की उपाधि धारण की, कविराज भी कहलाया, और वीणा बजाते हुए अपने सिक्के भी जारी किए, ठीक है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, यानी समुद्रगुप्त के बाद? कुमार। ये 380 में गद्दी पर बैठे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा बौद्ध यात्री पहुंचा था भारत? पहुंचा है। नालंदा की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। कुमार गुप्त जी सर, कुमार। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी वाफिर स्कंद गुप्त, जिसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया, और इसने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर बनाया। पूछ सकते हैं किस गुप्त राजा के समय हुनों के आक्रमण शुरू हुए? तो ये स्कंद गुप्त के समय हुए थे हुन आक्रमण। अंतिम गुप्त सम्राट कौन था, अंतिम गुप्त शासक या सम्राट? ये विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? सबसे बड़ी इकाई देश थी, ठीक है, सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी किसे कहा जाता था? दंडपाशिक को। अब चाट भाट थे साधारण कर्मचारी। भू राजस्व कितना था? गुप्तकालीन भू राजस्व 4 से 1/6 के बीच, भूमि के हिसाब से था, जैसे उत्पादन के अनुसार। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर भूमि के प्रकार कितने थे गुप्त काल में? पांच प्रकार की भूमि, पांच क्षेत्र जो कृषि करने योग्य है, वास्तु निवास के लिए, चारागाह पशुओं के लिए, शील जो जोतने योग्य भूमि नहीं है, और अप्रहित जंगली भूमि, क्षेत्र वास्तु चारागाह शील और अप्राहत भूमि। दशावतार गुप्तकालीन मंदिर का है? एमपी। देवगढ़ ललितपुर झांसी का प्रसिद्ध मंदिर है, विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है, और गुप्तकालीन प्रमुख देवता भी विष्णु थे, उनका राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था, जो कि गुप्त काल में झंडे पर था, उनके ध्वज पर। महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कहाँ था गुप्त काल में?
उज्जैन। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया अभिलेखों में? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा दिनार। दिनार इसे अभिलेखों में दिनार कहा गया। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख। जी सर एरन। जी सर एरन। 510 का है ये एरन। अजंता की कौन सी गुफाएं गुप्तकालीन है? अजंता की 29 गुफा में से 16-17 है। वैसे महायान से संबंधित है ज्यादातर अजंता की गुफाएं, यानी बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म ज्यादा है अजंता में। एलोरा में शैव धर्म की प्रमुखता है। कालिदास किसके कवि थे? विष्णु शर्मा, कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी, ये सब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। सूर्य सिद्धांत की रचना आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने किए। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। जैसे मुगल काल में फारसी थी, अलग अलग काल में अलग अलग थी, ठीक है। सातवाहन के समय प्राकृतिक थी। सातवाहन वाले वंश भी जो है इसमें सिलेबस में है ना, सातवाहन वंश। पहली भारतीय रचना जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ, यह अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की और उसके बाद गीता का हुआ था। विलियम विल्किंस ने बाद में गीता का किया, लेकिन पहले हुआ है कालिदास की रचना का। प्रचलित ग्रंथों में आएगा तब बाइबिल और पंचतंत्र आएगा, और यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है तो अभिज्ञान शाकुंतलम और फिर ये वाली आ जाएगी पुस्तक गीता। सांस्कृतिक उपलब्धि के कारण इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण काल। गुप्त काल हो जाता है स्वर्ण काल। ठीक है, अब आ जाते हैं। देखो दक्षिण के जो वंश है यहाँ पे सिलेबस में है, पल्लव वंश लास्ट वंश है आज का, यहाँ तक हमने पढ़ना है, ठीक है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? ये सिंह विष्णु, सिंह विष्णु जिसने अवनी सिंह की, इसकी एक उपाधि है अवनी सिंह की उपाधि भी धारण की है। पल्लव जो राजा थे वो सातवाहनों के सामंत थे, जैसे कत्यूरियों के सामंत चंद थे, फिर चंदों का राज हो गया, ऐसी सातवाहनों के थे पल्लव, फिर पल्लवों का राज आया। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? ये कांचीपुरम या कांची, तमिलनाडु का, और गुप्त की तरह ये भी वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। फिर किरातार्जुनीयम के लेखक कौन थे? किरातार्जुनीयम के लेखक नहीं, दंडी तो अलग है, दस कुमार चरितम के हैं दंडी, ये है भारवी। तो भारवी जो है वो सिंह विष्णु के ही दरबारी थे। फिर मत विलास प्रहसन की रचना किसने की? मत विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने किया। महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनाए जिन्हें रथ कहा गया है? नरसिंह वर्मन प्रथम। तो नरसिंह वर्मन प्रथम आएगा तो महाबलीपुरम की एकास मंदिर है। फिर कांची का कैलाशनाथ मंदिर, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हो जाएगा। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव राजा कौन था?
नरसिंह वर्मन द्वितीय, इसने राजसीय शंकर भक्त ये सब उपाधियां भी धारण की। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबारी थे दंडी, सिंह विष्णु के भारवी। ठीक है, तो इसके बाद जो वंश आ जाएंगे अब, जैसे राजकूट वगैरह तो इसमें है भी नहीं, चोल है अब ना, चोल वंश और इससे आगे के वंश। ठीक है, एक चोल वंश रह गया बस साउथ का, और उसके बाद के हमने दिल्ली सल्तनत से किए हुए, तो जो अरब आक्रमण है केवल गजनबी वाला और चोल वाला ये रह गया, उसके बाद सीधा फिर मुगल के बाद वाला होगा। जैसे गवर्नर जनरल एक दिन हुआ सारे गवर्नर जनरल राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, अब तुम्हारे चार पांच दिन रहेंगे पेपर के लिए भी। देखो कंपटीशन तो ठीक ही ठाक रहता है, हमेशा 2 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, लेकिन ऐसे घबराने की बात भी नहीं, जो एक्सपीरियंस वाले हैं क्योंकि उनके नंबर ठीक ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद।